Hi guys, this is P. Gupta and you're watching G3 Institution. Guys, if you want to learn English fluently, you are to watch this video continuously. Guys, in this video, I have included so many short sentences. Those are very important for you. So let's watch. दोस्तों, अगर आप कहना चाहते हैं, बाद में करूंगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे, I will do it later. अगर वहीं आप कहना चाहते हो, अभी जाता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे I will go right away. अगर वहीं आप कहना चाहते हो अभी खाता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे I will eat right away. अगर वहीं आप कहना चाहते हो अभी देखता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे I will see राइट अवे. अगर किसी कार्य को आप कहना चाहते हो अभी करता हूँ, तो आप कहोगे आई विल डू इट राइट अवे. अगर वहीं आप कहना चाहते हो अभी आता हूँ, तो आप कहोगे आई विल कम राइट अवे. अगला सेंटेंस है, जो मैं कहता हूँ वो करो, तो आप कहोगे डू एज आई से. अगर वहीं आप कहना चाहते हो मैं ज़ुबान का पक्का हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स. अगर वहीं आप कहना चाहते हो यह एक अच्छा बहाना है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज अ गुड एक्सक्यूज. अगर वहीं आप कहना चाहते हो उसे पैसों की दिक्कत है, तो आप कहोगे ही हैज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो तुम इतने बेचैन क्यों हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू सो वर्कड अप. अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो पास आओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे कम नियर. अगर वहीं आप कहना चाहते हो मेरे पास ले आओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे ब्रिंग अप टू मी. अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझे मिर्ची लग गई है, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो माई माउथ इज़ बर्निंग, या माई माउथ इज़ ऑन फायर. अगला सेंटेंस है, तो आप कहोगे इट्स टाइम फॉर माई मेडिसिन. अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है, मैं अभी व्यस्त हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम बिजी नाउ. अगर वहीं आप कहना चाहते हो आप कहाँ खो गए हैं, तो आप कहोगे वेयर हैव यू लॉस्ट. अगला सेंटेंस है जो काफ़ी जाना पहचाना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे सी कॉल्स बट नॉट टू गो. अगला सेंटेंस है, रातों रात कुछ नहीं किया जा सकता, तो आप इंग्लिश में कहोगे नथिंग कैन बी डन इन नाइट्स. अगला सेंटेंस है, आप बताओ आपके क्या हालचाल हैं, तो आप कहोगे हाउ अबाउट यू या व्हाट अबाउट यू. दोस्तों, अगर आप किसी से कहना चाहते हैं मैं इंतज़ार करूँगा, तो आप कहोगे आई विल वेट. अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो लाइट मत बुझाओ, तो आप कहोगे
डोंट पुट ऑफ द लाइट्स। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हैं एडवाइस के तौर पर, मैंने बुरी आदतें छोड़ दी है, मैंने बुरी आदतें छोड़ दी है, तो आप कहोगे आई हैव गिवेन अप बैड हैबिट्स, आई हैव गिवेन अप बैड हैबिट्स। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मैं अपने वादों से कभी नहीं मुकरता, मैं अपने वादों से कभी नहीं मुकरता, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई नेवर बैक आउट ऑफ माई प्रोमिसेस, आई नेवर बैक आउट ऑफ माई प्रोमिसेस। अगला सेंटेंस है उन्हें नियमों का पालन करना पड़ता है, उन्हें नियमों का पालन करना पड़ता है, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो, दे हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, दे हैव द अबाइड बाय द रूल्स, या दे हैव टू फॉलो द रूल्स, दे हैव टू फॉलो द रूल्स। अगला सेंटेंस है मुंह मत बनाओ। दोस्तों अगर आप अपने किसी बच्चे को कहना चाहते हो मुंह मत बनाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट मेक फेसेस, डोंट मेक फेसेस। अगला सेंटेंस है तुम सुनते ही नहीं हो। मान लीजिए आप किसी बच्चे को या किसी अपने फ्रेंड को कहना चाहते हो तुम सुनते ही नहीं हो, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो, यू डोंट लिसन एट ऑल, यू डोंट लिसन एट ऑल, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो यू डोंट इवन लिसन, यू डोंट इवन लिसन। अगला सेंटेंस है अब बहुत हो गया चुप करो, अब बहुत हो गया चुप करो, तो आप कहोगे इट्स इनफ नाउ शट अप, इट्स इनफ नाउ शट अप। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ये तुमने अपनी आदत बना ली है, ये तुमने अपनी आदत बना ली है, तो आप कहोगे यू हैव मेड इट योर हैबिट, यू हैव मेड इट योर हैबिट। अगला सेंटेंस है उसे धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, उसे धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो, नो नीड टू थ्रेटन हिम, नो नीड टू थ्रेटन हिम, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज़ नो नीड टू थ्रेटन हिम, देयर इज़ नो नीड टू थ्रेटन हिम। अगला सेंटेंस है पढ़ के सुनाओ। दोस्तों अगर आप अपने किसी बच्चे से कहना चाहते हो पढ़ के सुनाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे रीड इट अलाउड, रीड इट अलाउड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो चुटकी मत बजाओ, चुटकी मत बजाओ, तो आप कहोगे डोंट स्नैप योर फिंगर्स, डोंट स्नैप योर फिंगर्स। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं सुनता, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट लिसन टू एनी वन, आई डोंट लिसन टू एनी वन। अगला सेंटेंस है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव नो मच नॉलेज, आई हैव नो मच नॉलेज। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वो मेरी कामयाबी से जलता है, वो मेरी कामयाबी से जलता है, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो, ही इज़ जेलस ऑफ माई सक्सेस, ही इज़ जेलस ऑफ माई सक्सेस, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं He is envious of my success. He is envious of my success. दोस्तों अगर आप चाहते हो किसी काम को जल्दी से ख़त्म करने के लिए और आप कहते हो जल्दी से ख़त्म करो, जल्दी से ख़त्म करो, तो आप कहोगे wind up quickly, wind up quickly. अगर वहीं आप कहना चाहते हो अपना काम जल्दी से ख़त्म करो, अपना काम जल्दी से ख़त्म करो, तो आप कहोगे wind up your work, wind up your work. अगर बात आती है खाने की और आप कहना चाहते हो अपना लंच जल्दी से ख़त्म करो, अपना लंच जल्दी से ख़त्म करो, तो आप कहोगे विंड अप योर लंच, विंड अप योर लंच। अगर अगला सेंटेंस देखते हैं, अपना होमवर्क जल्दी से ख़त्म करो। आप अपने किसी स्टूडेंट या अपने बच्चे को कहना चाहते हो अपना होमवर्क जल्दी से ख़त्म करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे विंड अप योर होमवर्क, विंड अप योर होमवर्क। अगला सेंटेंस है यहाँ तक कि उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। दोस्तों अगर आप किसी के बारे में कहना चाहते हो यहाँ तक कि उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही डिडेंट इवन कॉल मी, ही डिडेंट इवन कॉल मी। अगर वहीं देखते हैं अगला सेंटेंस, तो अगला सेंटेंस है मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट योर स्लेव, आई एम नॉट योर स्लेव। अगला सेंटेंस देख लेते हैं,
मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। दोस्तों ये सेंटेंस आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। अगला सेंटेंस है, तुमने मुझसे बिना पूछे ऐसा क्यों किया, या तुमने मुझसे पूछे बिना ऐसा क्यों किया, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई डिड यू डू दिस विदाउट आस्किंग मी, वाई डिड यू डू दिस विदाउट आस्किंग मी। अगला सेंटेंस है, तुम हर वक्त यही बात करती रहती हो। दोस्तों अगर आप अपने किसी फ्रेंड से कहना चाहते हो तुम हर वक्त यही बात करती रहती हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू कीप सेइंग द सेम थिंग ऑल द टाइम, यू कीप सेइंग द सेम थिंग ऑल द टाइम। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं किसी से भी नहीं डरता, मैं किसी से भी नहीं डरता, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। अगला सेंटेंस है, सब मेरी गलती ही तो है, सब मेरी गलती ही तो है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आफ्टर ऑल दिस इज़ माई फॉल्ट, आफ्टर ऑल दिस इज़ माई फॉल्ट। अगला सेंटेंस है, तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है, तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स यूजलेस टू से एनीथिंग टू यू, इट्स यूजलेस टू से एनीथिंग टू यू। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आप किसी से पूछना चाहते हो ये क्या बकवास बात कर रही हो, ये क्या बकवास बात कर रही हो, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट। अगला सेंटेंस है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो बहक जाऊँगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो बहक जाऊँगा, तो आप इसे कहोगे आई एम नॉट अ किड हु विल गेट कैरिड अवे, आई एम नॉट अ किड हु विल गेट कैरिड अवे। अगला सेंटेंस देखते हैं, टैक्सी से चलते हैं। दोस्तों अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ हैं और आप उससे कहना चाहते हो टैक्सी से चलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स गो बाई कैब, लेट्स गो बाई कैब। अगला सेंटेंस है, उसका वज़न बढ़ गया है, उसका वज़न बढ़ गया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ पुट ऑन वेट, ही हैज़ पुट ऑन वेट। अगला सेंटेंस है, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो सब ठीक हो जाएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे एवरीथिंग विल गेट बेटर, एवरीथिंग विल गेट बेटर। अगला सेंटेंस है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहोगे व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से।